We now request Srimad Swami Harivarman. He will speak on basic tenets of Hinduism and universal values. Uttarkashi, as you know, all the way in the Himalayas. Swamiji has come from the Himalayas. So we look forward to hearing from him. Uttarkashi is a place of Vedanta studies, and we are happy to have an Acharya from there. पतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगादु भेषजं शं नो अस्त्विधिपते शं चतुष्पते ॐ शांति 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 श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। रेस्पेक्टेड स्वामीस एंड माय बिलवड जिज्ञासुस श्रोतास, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर इन दिस ओकेशन ऑफ दिस सेलिब्रेशन। बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ ठाकुर जी in my life, because whenever I go to any function in Ramakrishna Mission or Matha, I remember this. In 1989, when I was just 11-year-old boy, I got a small book of Paramhamsaji from a shop where I used to buy my comic books, you know, in that age. So I got this book, seeing his portrait in that small book. I was really attracted. I felt that I know this man before. Actually, first time I was seeing his portrait in that. Then whatever little money I had, I purchased that book, and that day I left not purchasing any other comic book. I took this book. It was in Malayalam. Then I read that book in the night itself. It was like maybe 60-65 sayings of Paramahamsaji Thakurji. And all night I completed that book. So from there, since then, I was attracted, and I was always reading the books. I used to
visit Ramakrishna Mission in Trivandrum as well as in Purnatukara. So from there, actually, my spiritual life started. So then I happened to go to Himalayas and studies with gurus there, my masters. And since then, for 30 years, I'm there. So very good subject that we are discussing on. I think I will speak in Hindi because I was requested speaking Hindi to make it is material language, so yes. देखिए हमारे जीवन में क्या चाहिए हमें, क्या हम जीवन में चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वही प्रत्येक मनुष्य चाहते हैं, प्रत्येक मानुष वही चाहते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक प्राणी वही चाहते हैं। जिसको हम प्राणी नहीं कहते हैं, जो पेड़ पौधे आती हैं वे भी वही चाहते हैं। वो है सुख और शांति। अब पूरे लाइफ में देखेंगे ये सुख और शांति की जिज्ञासा के अलावा, उसकी अन्वेषणा के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता। तो हम जब चाहते यही है, ये सुख और शांति के लिए हमें कई तरह की मदद मिलती है। जैसे जो हमारे एसेंशियल नीड्स हैं, भोजन है, रहने का स्थान है, इसी प्रकार और जीवन में जो और चाहिए, ये सब उसी उद्देश्य से है। भोजन हम क्यों कहते हैं कि भोजन के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, तो नहीं चल सकता है इसलिए भोजन हम करते हैं। भोजन करने के लिए, भोजन को तैयार करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम धन कमाते हैं। बाकी सभी उसी से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। और ये सब करने के बाद भी यदि हमको शांति नहीं है, तो फिर उस जीवन में हमें कोई रस ही नहीं है। इसलिए जैसे भोजन आदि हमारे लिए मदद करते हैं, और समाज भी, सोसाइटी भी हमें मदद करती है, और उसी के साथ जो सरकारें चलती है, पॉलिटिकली हमें हेल्प मिलता है, ये सब हमारे ही सुख के लिए, शांति के लिए हमारे मानव के द्वारा किए हैं, कराए हैं। और इसी के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति आती है जहां हमें लौकिक वस्तुओं से, लौकिक का अर्थ है कि जो इस लोक में हमें प्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं, उन वस्तुओं से तृप्ति नहीं मिलती है, उससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो हम कुछ अलौकिक चीजों को भी सोचते हैं। वो किसके लिए, ये ध्यान रखना, केवल सुख और शांति के लिए। अल्टीमेटली हमें सुख और शांति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब जब अलौकिक चीजों को ढूंढने लगते हैं मानव, जब मानव का विकास ऐसा हो गया कि इससे बाहर के भी कुछ तत्वों के बारे में चिंतन करने लग गए, वे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कुछ और विस्तार करने के लिए सोचे,
उस समय जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, वो रिलीजन आकर के उसमें कुछ मदद करता है। अब रिलीजन कैसे बनता है इसके प्रोसेस में, उसके फॉर्मूला में मैं नहीं जा रहा हूं, किंतु रिलीजन करता यही है कि आपको सुख दे और शांति दे। जब हम अपनी ही बातों पर सोचते हैं, जहां जहां से हमें प्राप्त होता है हम सभी के साथ जुड़ते हैं, जिस वस्तु से हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है, हम उसके साथ जुड़ी जाते हैं। तब हम ये नहीं देखते हैं कि ये कहां से आया, ये कौन है, ये क्या है, ये कौन से देश के हैं, कौन से जाति के हैं, कौन से पाति के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, ये किसी से हमें कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम उसको अपने सत्ता के लिए, अपने असिस्टेंस के लिए आवश्यक मानते हैं। इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि सुख और शांति अंधत्व गत्वा अल्टीमेटली नहीं मिला तो जीवन को व्यर्थ मानना चाहिए, किंतु हम जब अपने सनातन धर्म के या धर्म के अंतरात्मा को हम देखते हैं कि वहां यह सुख शांति के लिए पूरे सिस्टम जो बनाया है, क्योंकि सनातन धर्म एक रिलीजन बाद में बना है या रिलीजन की संज्ञा दी गई है, परिभाषा दी गई है, लेकिन यह एक लाइफस्टाइल था और आज भी वैसे ही वो लाइफस्टाइल ही है। अर्थात जीना, उसको जीना है, इस प्रकार जीना है। तो इस लक्ष्य को आगे रख करके सुख और शांति हमारे पूर्ण जीवन में कैसे प्राप्त हो, इसको लक्ष्य रख करके सारे सिस्टम आरंभ होता है। कि जैसे हम अपने सुविधाजनक अपने घर को बनाते हैं, हम अपने अनुकूल अपने साथियों को, वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अपने लिए ही शांति समाधान लाने के लिए जो प्रक्रिया चाहिए, अल्टीमेटली आपको पूर्ण सुख मिले, पूर्ण शांति मिले, और वो भी एक को नहीं, ये इसकी विशेषता है कि सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये प्रार्थना बहुत ही हमारे साधारण प्रार्थना इसको मानते। इसी प्रकार अनेक प्रार्थना है, अभी जो मंगलाचरण मैंने किया, शम नो अस्तुदिपते शम चतुष्पते, उसमें कहते हैं कि हमें अपने लिए, मनुष्यों को भी सुख हो, शांति हो। शम का अर्थ सुख और शांति दोनों है, शम हमारे लिए हो और दो पैर वालों के, द्विपदों के लिए हो, चतुष्पदों के लिए हो और अन्य सभी के लिए हो। तो ये कंसेप्ट कैसे आ सकता है? ये तभी आ सकता है कि हम अपने आत्मा को सर्वत्र देखते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। कल जैसे आपने यहां सुना होगा कि अपने लिए जो कुछ हम मांगते हैं, अपने लिए जो इच्छा करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप ही अपने लिए अति प्रिय होते हैं, सर्व प्रियतमत्वात् ये कहते हैं। तो सभी से ज्यादा प्रिय अपने लिए होता है। ये सामान्य में बात करते समय कभी संशय होता है, हम अपने लिए ही सब चाहते हैं तो स्वार्थी हो जाएंगे। ये स्वार्थी होने का अर्थ में नहीं है, ये वास्तविकता है। हम स्वार्थी होते भी अपने लिए हैं और परार्थी होते भी अपने लिए हैं, क्योंकि अपने लिए हम सुख चाहते हैं, अपने मन को शांति चाहते हैं, इसीलिए परार्थ परोपकार भी जो हम करते हैं, हम सोचते हैं दूसरे के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली उसका सेटिस्फैक्शन आपको आता है। एक बार एक घटना है,
कि हम अपने जीवन में दूसरे के लिए जो भी मदद करते हैं, हम सोचते हैं वो दूसरे के लिए हम सहायता करें, क्योंकि हमारी दृष्टि से कोई दीन नहीं होता, कोई हीन नहीं होता। जो आत्मा, जो सत्य, जो एक्सिस्टेंस आपको सब कुछ दे रहा है, दे रही है, वही एक्सिस्टेंस इस सब दुनिया को चलाती है। लेकिन हम अपने लिए तृप्ति पाने के लिए, हमारे यहां कहा गया कि जो सोशल सर्विस होता है वो स्वयं के तृप्ति, स्वयं के आत्मा को विस्तार में दे करके स्वयं की तृप्ति करने के लिए है, अर्थात स्वयं ही सर्वत्र है। इसलिए आत्मवत् सर्वभूतानि ये कहा गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, आप जानते हैं। एक दिन वे अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक सुअर का बच्चा कई रास्ते पे पास में नाली में गिरा हुआ देखा। वो अपने पहले की जो घोड़ा सवारी है वो गाड़ी उसी पे जा रहे थे ऑफिस की ओर। जैसा वो सुअर के बच्चे को बाजू में देखा तो वो अपनी गाड़ी को रुकवाते हैं और वहां उतरते हैं, स्वयं जाकर के उस सुअर के बच्चे को उस नाली से, गड्ढे से निकाल करके बाहर छोड़ देते हैं। वो तो उसके शरीर में सारे गंदगी हो जाता है और मैल हो जाता है। तो जब वापस आते हैं तो उनके साथ में जो सेवक थे सभी वेधित होते हैं, पूछते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, हमें कहता होता। तो उन्होंने एक उत्तर दिया उस समय, ये उनके लाइफ स्टोरी में लिखा हुआ है कि ये तो बात सही है कि आप लोग कर देते, लेकिन ये जो उस बच्चे को देके मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, जो विकार उत्पन्न हुआ, उस विकार को यदि मैं स्वयं जाके नहीं करता तो उस विकार को मैं शांत नहीं कर सकता, मेरे को नींद नहीं आती। इसलिए उसको पूर्ण करने के लिए, हो सकता है मैं आपको आदेश दूं तो आप भी करेंगे, लेकिन मुझे वो तृप्ति नहीं मिलेगी जो मैंने किया है। तो ये है एक्चुअल हमारे सर्विस की भावना। इसलिए ये जो एकात्म भाव है यही हमारा सनातन धर्म का मूल आधार है, जो सबको साथ लेते हैं। हमारे लिए कोई पराया नहीं होता है, वो कोई भी अवस्था में हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी देश का। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिधि शांत उपासित एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। हमारे शास्त्रों में तो ऐसे वजन तो भरे पड़े हुए हैं। आजकल जो आप वजन एक सुन रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम एक वेद वाक्य का ही अर्थ है जो पंचतंत्र नाम के ग्रंथ में आया है। लोग इसको वेद वाक्य समझते हैं लेकिन ये साक्षात वेद वाक्य नहीं है, पंचतंत्र नाम की एक कथा पुस्तक है। आप जानते हैं हम लोग बचपन में इसको पढ़े हैं। तो उसके ये वचन है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारे ये वसुधा, ये धरती, ये सृष्टि एक कुटुंब के समान है। तो अपने कुटुंब में जो भाव हमें होता है वही भाव इस सृष्टि पे होना चाहिए। ये भाव से कहते हैं तो यत्र विश्वम भवत्येक नीटम, ये यजुर्वेद का वचन है, इसी के आधार पर हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। तो ये कब हो सकता है, जिसको लेकर के स्वामी जी ने अपने वचनों में निरंतर प्रकट किए, शिकागो के अपने भाषण में भी इसी को प्रकट किए। तो एक युग परिवर्तन इसी के अनुसार होना चाहिए। अब देखिए लड़ाई कर रहे हैं मनुष्य अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं, हम साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, हमें लगता है कि अब हम चंद्रमा को भी, सूर्य को भी, सारे ग्रहों को भी जीत सकते हैं। अरे इतना सब जब आप कर सकते हैं, आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है तो ये लड़ते क्यों हैं? अब इसराइल पैलेस्टीन
लड़ रहे हैं। अब एक तरह सोचा तो ये एक एक बात ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल हंसी की बात है, हम एक तरफ तो इतने विकास की बात कर रहे हैं, इतने रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के शांति के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, क्या क्या सभाएं नहीं हो रही है, फिर भी जमीन के लिए जो बाउंड्री हम मानवों ने बनाई है, कल्पित है, भगवान ने कोई बाउंड्री तो नहीं बनाई है। ठीक है, हम अपने सुविधा के लिए बाउंड्री बना रखी है, सीमाएं बनाई और उसके लिए लेकर के लड़ना, वर्गों में आपस लड़ना, तो हमारी बुद्धि विकास क्या है, हमारा एजुकेशन क्या है, बताइए कि एजुकेशन ये सिखाता है कि आप ऐसे कल्पना को लेकर के लड़े। हम जब रिलीजन की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, कोई आचार की बात करते हैं, बोलते हैं ये सब कल्पनाएं हैं, है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, कल्पना है। किंतु आप कल्पना को लेकर के लड़ सकते हैं, अपने ही भाइयों को, अपने ही साथियों को निर्दय मार सकते हैं, ये कल्पना नहीं है, कितना आश्चर्य है देखिए। और ये इसीलिए है कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर ये जो भावना है ये एजुकेशन के द्वारा जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन में ही है। ये भी एक बहुत प्रशस्त प्रख्यात इंस्टीट्यूशन है, तो क्या ये लड़ने वाले सारे, अब जिसको ऑफिसर्स है, उसके जो मंत्री है, उसके जो पदाधिकारी है, ये क्या अनपढ़ है क्या, इनको कोई एजुकेशन नहीं हुआ? तो एजुकेशन हुआ है तो क्या एजुकेशन हुआ, आपको लड़ाई सिखाई गई? तो आप देखिए मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन ही एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, उसके बुद्धि में सब कुछ स्थापित करने वाले एजुकेशन होता है और इस समय उसकी बहुत महत्ता है। तो इसीलिए एजुकेशन में ये जो सिद्धांत है एकात्मवाद, ओननेस, एटलीस्ट बाय थियरी उनको मालूम होना चाहिए। देखिए ऐसी भी एक भावना है, ऐसी भी एक तल है जहां हम सबको एक्सेप्ट करके सभी के अंदर एक ही ईश्वर को, एक ही आत्मा को, एक ही असिस्टेंस को, सच्चिदानंद को दे करके हम अपने जीवन चला सकते हैं। इसमें जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। कुछ लोग समझते हैं ये सब जो है फिलोसॉफिकल बातें हैं, थियोरिटिकल है, इसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, हमारे जीवन में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं, जैसा मैंने कहा, यदि जीवन में पूर्ण शांति को आपको प्राप्त करना है तो इन वैल्यूज को अपनाने चाहिए। यही ये वैल्यू एजुकेशन में आ जाए, किसी भी प्रकार आप एजुकेशन में लाएंगे तो अवश्य ही एक भावना ऐसी बनेगी। अन्यथा अब देखिए जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, आप उसके हिस्ट्री देखिए, एक एक इन्वेंशन का हिस्ट्री देखिए, कहां शुरू होता है? ये पहले आर्मी के लिए होते हैं। सारा इन्वेंशन के जो पूर्व स्थिति है वो देखेंगे तो ये पहले आर्मी में प्रयोग करते हैं। अभी जब मोबाइल फोन हम प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ भी आपके घर के सामान जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब कहां से शुरू हुआ, किसके लिए शुरू हुआ? आर्मी के लिए शुरू हुआ। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितने भी देश हैं, ये सारे पूरे दुनिया ये आर्मी को इतने इंपॉर्टेंस देते हैं और आर्मी के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, और उस पैसा को यदि अन्य प्रकार से मनुष्य के लिए प्रयोग करें, प्रयोग करने की कोई व्यवस्था बने तो कितना अच्छी बात होगी। अब पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी निकाल करके देखिए, उसमें मुझे लगता है 40-50% धन केवल आर्मी की रक्षा के लिए जाते हैं और ये हथियारें बनाने के लिए जाते हैं, आर्म्स बनाते हैं। अच्छा, आर्म्स बना के रखा तो फिर शांति होगी क्या? तो कितने कॉन्ट्राडिक्टरी देखिए, ये कैसे हो सकता है कि ये आप एक तरफ
आर्म्स बना रहे हैं, उसके लिए सारे पैसा लगा रहे हैं और दूसरे तरफ शांति की वार्ता कर रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट हमारे सभी के दिल में हम नहीं जानते हुए भी बैठा हुआ है, नहीं जानते हैं क्योंकि यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे चला गया है। हम जब भी घर बनाते हैं सबसे पहले घर में एक गेट लगाते हैं और उसके दीवालें बाउंड्री वॉल बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। यह आवश्यक है कि अनावश्यक है यह नहीं सोचना है, लेकिन वो हो गया है, यही मैं बोल रहा हूं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ। यदि वो नहीं बना, आप सोचिए, यदि एक दिन आप रात को गेट बंद किए बिना, ताला लगाए बिना सो गया, समझिए आपको कितना टेंशन होगा दूसरे दिन। तो ये क्या हम मनुष्य नहीं है कि हम मनुष्य समूह में नहीं रह रहे? हमें दूसरे मनुष्य से इतना डरना क्यों है? हम क्यों कोई जंगल में तो नहीं रह रहे हैं जहां शेर हाथी और ऐसे जानवर है जो अपने बुद्धि से काम नहीं करते, अपने संस्कार से काम करते हैं, वो आकर के अटैक कर सकता है? ऐसे जगह पे तो नहीं रह रहे। और ये सोच करके हमारे उत्तरकाशी में कुछ साल पहले तक, अभी तो कुछ गांवों में ऐसा है, कुछ साल पहले तक घरों में ताला नहीं लगते थे और आश्रमों में घरों में ताला लगाना वो लोग बुरा मानते थे। ये सोचते थे अरे ये विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन आजकल परिवर्तन हो गया, ये सब जगह परिवर्तन हो गया, तो वहां भी हो गया। हमारे आश्रम भी हम कई बार गेट में ताला नहीं लगाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से लगाना पड़ रहे हैं, उसकी ऐसी स्थिति हो गई। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं हमें मनुष्य की अभी जो भावना है, जो यूनिवर्सल वैल्यू है, जो लोग यूनिवर्सल वैल्यू अब समझ रहे हैं, ये असली में यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है। यूनिवर्सल वैल्यू वो है जो सबको शांति रखें, सब में प्रेम भाव रखें और सबको अपने अपने कार्य करने दें। इसका ये नहीं है कि सब एक जैसा कार्य करें, यह कभी नहीं कहना है। ये हमारा सनातन धर्म में ऐसा विचार है ही नहीं। जैसा अभी कहा, विविधता को एक मान करके चलने की क्षमता है और यह एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये सबको एक जैसा ही आचरण करना चाहिए, एक जैसा लाइफ लीड करना चाहिए, एक ही तरफ खाना खाना चाहिए, ऐसा होता नहीं। उसको हम एकात्मता नहीं कहते हैं। हमारे यहां एकात्मता का अर्थ है आत्मा एक है, उसके अनेक रूप बाहर दिखते हैं, वो अनेक रूप में, एक एक रूप में भी आत्मा पूर्ण है। देखिए कितने ऊंची बातें हैं। जितने आत्मा आपके अंदर पूर्ण है, जितने भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, उतने ही भगवान एक चिंडी को भी आशीर्वाद देते हैं। चिंडी के अंदर भी आत्मा उतनी ही है, यह पूर्णता है। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये वेद का और एक उद्घोष है कि संपूर्ण पूर्णता यहां है। इसलिए आज के ये एक ही हम विषय पर ध्यान दें कि हम यूनिवर्सल वैल्यू को कहां से शुरू कर सकते हैं। मुझे ये नहीं लगता, मैं कभी ऐसा, मैं पूर्ण विश्वास कभी नहीं करता हूं कि हम इस प्रकार के मैंने कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, इस प्रकार के बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे। हम भी साल भर यही कुछ कार्य करते रहते हैं, इससे पूर्णतः परिवर्तन होगा। पूर्णतः परिवर्तन करना है तो इन आशयों को, ये जो वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यूज है, उसको एजुकेशन में उतारना है। मैंने बच्चों को सिखाना है और आप यहां से शुरू करेंगे तो पूरा वर्ल्ड में वो आ जाए। यदि ऐसा बदलाव लाए तो अवश्य ही ये हमारी ये जो दुनिया, ये भगवान के ही रूप है। सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जला निधि शांतोपासीत जो कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि ना केवल हम भगवान के हैं, हम भगवान के रूप है, हमारे अंदर भगवान है, अपितु सभी के अंदर भगवान है। द ऑल परवर्डिंग एक्सिस्टेंस, द ऑल माइटी, उसके जो एक्सिस्टेंस है वो कण कण में है।
ये भावना यदि आ जाए तो आप अपने रीति रिवाज, अपने धर्म के, अपने नियम के अनुसार आप आराम से अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन ये प्रेम भावना रखिए। आप देखिए कितने दुनिया में बचत हो जाएगा यदि इस प्रकार लोग आपस में विश्वास करके, क्योंकि भय सर्वत्र फैला हुआ है। जैसा मैंने कहा, हम रात को नीडर होकर के सो नहीं सकते, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए सब करते हैं। किससे हम सुरक्षा चाहते हैं? तो इसीलिए ये जो भावना है, यदि हम इसको समझेंगे तो हमारे दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये ओनस थियरी, जिसको लेके हमारे परंपरा में बड़े बड़े आचार्य, रेवोल्यूशनरी आचार्य आए हैं, और उन्होंने अपने अपने तरीके से उस समय के अनुसार सब करके गए हैं। अब हमारे पास सब टेक्नोलॉजी प्राप्त है, सब व्यवस्था प्राप्त है। यदि हम दिल से, दिमाग से इसके लिए आरंभ करेंगे, मुझे आशा है कि कुछ साल में दुनिया में परिवर्तन आएगा। हम ऐसे ये फालतू होने वाले ये वारों को रुक पाएंगे। इसका क्या सिद्धांत है ये उनको समझाए कि क्यों आप लड़ते हो। अभी मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, किसी को भी आश्चर्य करता है कि ऐसे एजुकेटेड दुनिया में इस प्रकार के एक वर्ग को लेकर के दो वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे को मारने में अपने को अच्छा समझ रहे हैं, बड़े समझ रहे हैं। तो ये भावना से हम बाहर आ पाएंगे तो हमारे सभी गुरुजन इसके लिए आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम, थैंक यू। सुख शांति जीवन की अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। इस बात को लेके अभी अभी हमने स्वामी हरि ब्रह्मेंद्र तीर्थ जी महाराज से एक अत्यंत ही रोचक और बहुत से विचारों को लेके जो अपनी वाणी रखी, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और थैंक्स टू स्वामी जी फॉर हिज वेरी इंसाइटफुल टॉक ऑन द बेसिक टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। सो वी हैव कम टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ अवर मॉर्निंग सेशन। अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन एंड विद दैट वी शैल क्लोज। All the three respected speakers had one or two points which they very much emphasized upon. One was the need for a change, a call for change, a call for universal values. And second, very interesting, that all of them agree and all of them emphasize that it should begin early. Shiksha mein parivartan. There should be a change in the way we receive our upbringing, the way we receive our education. See, all of us are students, children who have grown up. In our age, if we look back, we were also children. We also received our education, all of us. All of us have received our different influences coming on us. There's a South African saying which says, you require a whole village to educate a child. How true it is. There are different types of influences falling on us. So it's not just that education means 10th standard and 12th standard and then basic R's, and today you have the computers, digital technology and things like that. Education should go beyond this. This also we require, but we also require who is handling the information. It's not just giving the information which is education, but who is handling the information, which means self-introspection, the qualities which make us truly human. Why should we do anything which harms others? Because after all, the other is me only. This kind of idea should become clearer to us. We find this in the Upanishads, we find in the Vedanta.
And I'm sure this academic session will ignite all the people who have listened to the learned talks to take up this idea of universal oneness as we find in Vedanta, as we find in all right thinking people across the world, and try to bring that into our lives. That's what the message of Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Mahasarada Devi is. So with this, we shall close. We shall meet again after the tea break.